मैनपुरी फतह करने उतरी सपा, चाचा शिवपाल ने दिया खुला समर्थन, तो अखिलेश ने पैर छूकर कहा थैंक्स। उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी घराने समाजवादी पार्टी में जिन चाचा शिवपाल यादव के साथ भतीजे अखिलेश यादव के संबंधों में खटास की बातें उड़ रही थीं, जिनके संबंधों में दरार की बातें कही जा रही थीं, वो शायद इन तस्वीरों से झूठी साबित होती दिख रही हैं। मैनपुरी उपचुनाव में अपना मान बचाने उतरी समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा इस सुपर हॉट सीट को बचाने और फतह करने के लिए संगठित हो चुका है। आलम यह है कि रविवार को जब मैनपुरी में एक चुनावी सभा जुटी तो मंच पर पहुंचे चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें थैंक्स भी कहा। इसी मंच पर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के अलावा राम गोपाल यादव, भतीजे धर्मेंद्र यादव और चुनावी मुकाबले में उतरी डिम्पल यादव भी मौजूद रहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए समर्थन मांगा। पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मेहनतोड़ी जनता ने किया। इसमें पहला चुनाव और पहला ऐसा समय है जब आप वोट डाले जब नेताजी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। वहीं इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी अगर मैनपुरी को जीतने का स्वप्न देख रही है तो वो 5 तारीख को उसे टूटते हुए देखेगी। लोगों को गर्म हो जाता है, बीजेपी वालों को गलत फहमी है, दूर हो जाएगी 5 तारीख को। कोई सपना देखना होता बेकार, देवा स्वप्न था उनका। हम ये कहना नहीं चाहेंगे कि दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, ये भी नहीं कहना चाहेंगे। जीत के इन दावों के बीच दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भतीजे और पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव ने भी इस चुनाव में सपा की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को भी याद किया। हर मौके पर गाइड करने वाले और हर चुनौती में मजबूती के साथ हाथ पकड़ के उत्साह बढ़ाने वाला व्यक्तित्व था। मैं तो चूंकि परिवार का हूँ इसलिए मुझे सौभाग्य ज्यादा मिला शायद, लेकिन ये केवल बात मेरी नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के हर वर्कर के दिल में यही बात होगी। अगर आप अलग अलग किसी भी साथी से पूछेंगे, कभी कोई साथी अगर किसी परेशानी में आया होगा, चुनौती में आया होगा, कष्ट में आया होगा, उसका परिवार कष्ट में आया होगा, तो नेताजी किस तरह से लोगों का साथ दिया है ये लोगों से आप पूछ सकते हैं। मुकाबला नहीं है, मैनपुरी के लोग जबरदस्त समर्थन देंगे आदरणीय डिम्पल जी को और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दिलों से श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। बाकी तो चुनाव है, लड़ें जिसको लड़ना है उसको लड़ें। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की ओर से जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से उन्हें टक्कर देने के लिए रघुराज शाक्य को उतारा गया है। इस सीट से अब तक दिवंगत मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, जिनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। मैनपुरी सीट को सपा का मजबूत गढ़ समझा जाता है, ऐसे में इस सीट को बचा पाना सपा के लिए अपनी साख की रक्षा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सपा का पूरा कुनबा संगठित और एकजुट दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।